आज मांग संख्या 29, 37, 47 पर बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत आभार। सभापति महोदय आप बोलो, अंकित नहीं हो रहा, लक्ष्मण जी बोलो। पर्यटन के मामले में मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा। मैं देवस्थान चर्चा होती है तो मेरे विधानसभा क्षेत्र मेड़ता का सर्वप्रथम आता है मेड़ता सिटी मीराबाई का प्रसिद्ध मंदिर। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी मन की बात कार्यक्रम में भक्त श्री मीराबाई की कुछ जगह दी थी। महोदय हर वर्ष मीरा महोत्सव होता है, आज देश भर में मीराबाई की ख्याति, लेकिन जब भक्तगण मेड़ता पहुँचते हैं व्यवस्थाओं का आलम नजर आता है। रात्रि विश्राम, पार्किंग, साइन बोर्ड सहित विभिन्न सुविधाओं का अभाव है। माननीय मंत्री मैं निवेदन करूँगा आप इन पर ध्यान दे करके इनको जो करना काम करेंगे। वहीं आपके माध्यम से मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि मेड़ता विधानसभा क्षेत्र ग्राम भवाल, जहां देश भर से नवरात्रि सहित पूरे वर्ष श्रद्धालु आते हैं और भवाल माता जी का आशीर्वाद लेकर जाते हैं, लेकिन मुख्य सड़क से भवाल ग्राम तक श्रद्धालुओं के विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मेरी मांग है भवाल माता मंदिर से मुख्य नेशनल हाईवे जो जश्न गुजरता है, भवाल मंदिर से जश्न तक की 2 लेन हाईवे निर्माण देवस्थान विभाग करवाएं ताकि श्रद्धालुओं को सुविधा हो सके। अभी बजट है 2024-25 मेड़ता उपखंड पर स्थित प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय को पॉलीटेक्निक हॉस्पिटल में कर्मोन्नत किया, इसके लिए मंत्री जी का धन्यवाद। इससे मेड़ता सहित आसपास करीब 30 किलोमीटर क्षेत्र पशुओं को सीधा फायदा जो मिलेगा। मोदी जी 47 के अंतर्गत आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूँगा कि पशुपालन खेती के साथ किसानों का मुख्य व्यवसाय है। देश की GDP में 13% योगदान पशुपालन का है, इसलिए पशुपालकों को पशु चिकित्सा, पशुओं की नस्ल सुधार, बीमारियों से रोकथाम जैसे महत्वपूर्ण चीज़ों पर सुविधाएं मिलनी चाहिए। मेरी विधानसभा क्षेत्र मेड़ता में पशुओं से जुड़ी बीमारियों की जांच है तो 33 स्तरीय जाँच लैब स्थापित की जाए ताकि पशुओं को हर बीमारी का समय पर इलाज चले, उनका इलाज हो सके। मैंने पहले भी एक मुद्दा उठाया था, 3 वर्ष से छोटे गोवंश मेड़ता का प्रसिद्ध मेला है सुग्रीव बलदेव मिर्दा नाम से, तो 3 वर्ष के जो बछड़े हैं किसानों की आय का स्रोत है उस पर पिछली सरकारों ने रोक लगा रखी है। जो व्यापारी आते हैं MP से UP से, नागौर की नस्ल पूरे देश में प्रसिद्ध है, नागौर का बैल आप सबको पता है, तो वो रोग हटे जो व्यापारी ले जाएं उनको और उनकी सेवा हो सके, किसान की आमदनी जो है बढ़ सके, मेरा ऐसा आपसे अनुरोध है। मैं निवेदन करूँगा सभापति महोदय आपके माध्यम से, हम सब गाय की बात करते हैं लेकिन गाय की सेवा, मंत्री महोदय थोड़ी आवाज जमाने में बहुत धीमी है। मैं निवेदन करूंगा जिस किसी प्रदेश भर में गाय जिसके घर में है उसका सरकारी या निजी टैग लगे और उसकी गणना हो, जो टैग लगे गणना हो, बाकी जो गोवंश बचे उसको गौशाला में डालें और जो अनुदान सरकार दे रही है गौशालों को वो अनुदान राशि उस किसान को भी मिले, जो घर पे गाय उस किसान को भी मिले, मंत्री महोदय गाय की सेवा हो सके और किसान को दूध और सब उसकी व्यवस्था हो सके तो उसके को पालन कर सके। मैं निवेदन करूंगा अभी सारे नंदीसालों की बात चल रही है, इतने आवारा पशु शहर में होते हैं, गाँव में होते हैं, किसान को नुकसान करते हैं फसल की और दुर्घटनाएं होती है, तो आप इसके भी ध्यान रखें, नंदीसालों में डालने काम करें। माननीय महोदय निवेदन मेरा आपसे, पशु महादेव पशु मेलों में महोदय किसानों ही छोटा हस्त किसानकारों का व्यवसाय जुड़ा है, खेती किसानी जुड़ी औजारों से इन मेलों में भरपूर बिक्री होती है। अगर यही हाल रहा तो मेड़ता नागौर सहित राजस्थान भर के पशु मेले विलुप्त हो जाएंगे और एक बड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएगा। महोदय आज पशुपालन विभाग में पशु चिकित्सकों के करीब 50% पद रिक्त पड़े हैं, ये रियल बात है क्योंकि पिछली सरकार ने भर्ती की नहीं पशु डॉक्टरों की, तो उनको भरा जाए ताकि हमारे पशुपालक मतलब वो ठीक हो सके। पशु चिकित्सकों के अभाव में नीम हकीमों और झाड़ू फूंक के चक्कर में आकर स्वयं आर्थिक नुकसान कर रहे हैं और उसे निजात मिले। साथ ही मेरी मांग है मेड़ता में ग्रामीण अंचल में नवीन डेयरियां खोली जाए और सरस डेयरी का प्लांट मेड़ता में लंबे समय से बंद पड़ा है, मैंने पहले भी मांग रखी है, मंत्री महोदय विराजमान है, जमीन बहुत बड़ी है, प्लांट आपका है उसको चालू कराए आप जिनको। महोदय पशुपालक को लोन देने की प्रणाली में शिथिलता बरती जाए ताकि आसानी से लोन मिले और उनको रुझान दुग्ध उत्पादन की ओर बढ़े। महोदय मेरे मेड़ता विधान क्षेत्र में ग्राम छापरी, गोटन, रेण, रायकाबाग, रिया बड़ी में पशु उप स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सालय जर्जर अवस्था में है, उनकी मरम्मत कराई जाए तथा ग्राम कलरू, लाडवा, टालनपुर, लांबा, जाटान,
गंटिया, खेडूली, डावा, अरणिया सहित विभिन्न गांवों में पशु चिकित्सा उपकेंद्र चिकित्सालय किराए के भवनों में संचालित है वो बनाए जाए। अति शीघ्र इन गाँव में जो बनाए जाए। वहीं मोदे गोटन, मेड़ता रोड, जारोड़ा, रैण अंचल के पशुपालन लंबे समय से मांग है। इन पशु चिकित्सालयों को प्रथम श्रेणी चिकित्सालय में क्रमबद्ध किया जाए। पशु चिकित्सा केंद्र कलरू, कूड़ाया, रोहिसा, हरसोलाव, खाकड़की, कात्यासनी, चौंडिया, लामपोले व नेतड़ियाओं को पशु चिकित्सालय में क्रमबद्ध किया जाना अति आवश्यक है। महोदय आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग है कि वहीं मेड़ता विधानसभा गाँव चूंदिया, भेंडा, मोहरा, जाटावास में नवीन पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोला जाए ताकि आसपास के क्षेत्र को बहुत ही संख्या पशुपालन व्यवस्था कर सकें, किसान भाई फायदा मिले। वहीं नवंबर से मार्च तक गौशालाओं को अनुदान नहीं मिला अभी तक। कल भी आए थे किसान मेड़ता से, वो अनुदान मिला नहीं अभी तक और गौशाला आर्थिक कमजोर है, तो वो भी आप लोग जो दिलाने का काम करें। महोदय मेरा आपसे निवेदन है, बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय भारत। श्री सुभाष जी गर्ग।